बीती रात पोटिया चौक पर ट्रक की चपेट में आने से हुई दर्दनाक घटना में मासूम मान्या की मौत से शहरवासियों ने आक्रोश जताया। घटनास्थल पर समाज व भाजपा के पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। दुर्गा बीती रात पोटिया चौक पर ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक घटना में मासूम मान्या की मौत हो गई। शहरवासियों ने इससे आक्रोश जताया। 13 वर्षीय मासूम कुमारी मान्या देशलहरा की दर्दनाक होने का एकमात्र सिर्फ कारण खराब सड़क है। लचर यातायात व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुरुवार को दुर्ग के पोटिया चौक पर सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही सड़क के बीच आग लगाकर सड़क को काफी देर तक अवरुद्ध कर रखा। इस अवसर पर घटना स्थल पर समाज व भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन की लापरवाही से लगातार हो रही दुर्घटना पर अपना आक्रोश जताया। इस अवसर पर मौके पर पहुंची पुलिस बल ने भीड़ को तितर बितर कर रास्ता खुलवाया। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये दुर्ग शहर का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। शहर के विधायक महापौर जी गहरी नींद में सोए हैं। चारों तरफ शहर में गड्ढे गड्ढे हैं। कल इतना बड़ा हादसा हुआ, एक 13 वर्ष की बालिका ट्रक के नीचे आ गई, लेकिन निगम प्रशासन जिला प्रशासन होश में नहीं आया। आज पूरे समाज में, पूरे आम वार्ड वासियों में, पूरे नगर वासियों में इस घटना के लिए बहुत ही क्रोधित है और काफी रोष है। और जल्द से जल्द आप देख रहे शहर की चारों दुर्दशा, चारों तरफ रोड में गड्ढे ही गड्ढे हैं, लेकिन निगम प्रशासन जिला प्रशासन सोई हुई है। विधायक जी मस्त हैं और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। दुर्ग शहर में ये घटना नई घटना नहीं है, ऐसे निरंतर रोज घटने हो रहे हैं। किसी में किसी को मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, कहीं पे आर्थिक क्षति पहुंच रही है, कहीं पे शारीरिक क्षति पहुंच रही है। आज की जो घटना जो रात में घटी है, उससे ये ज्ञात होता है कि शहर की दुर्दशा ये प्रत्यक्ष है। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, आप मेरे पीछे भी देख लीजिए कैसा गड्ढा है। ये गड्ढे में निरंतर लोग अपने जान गंवा रहे हैं और उसी के अंतराल में जो घटना घटा है उसमें 13 वर्षीय बच्ची का जान चली गई है। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ से एक याद को मेरे ख्याल से नो एंट्री बंद थी, उसके बाद भी एंट्री की गई थी गाड़ी की, क्योंकि समय कुछ 7 बजे के आसपास रहा होगा। और ट्रक आई थी और एक गड्ढा था, और एक गड्ढा जो है यहाँ पे भिलाई बेकरी चौक से लेके अपना पुलगांव चौक तक के बहुत सारे गड्ढे हैं। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो वो जो माँ बेटी है वो यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, और शायद वो रॉन्ग साइड था या राइट साइड था अपने को ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ वो गड्ढे पे उछल कर गिरी है और पिछले चक्के के नीचे आई है, जिससे उसका पूरा भेजा बाहर आ गया। आम नागरिक के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर की सड़क की व्यवस्था जिस हिसाब से अगर शासन प्रशासन अदावत ठोकती है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं है। अगर माना जाए तो यह माननीय श्री गृह मंत्री हमारे दामोदर साहू जी का क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ निवास करते हैं। मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, मगर वो PWD को आदेशित कर सकते हैं कि ये सब गड्ढों को भरा जाए। यहाँ पे हजारों लोग, हजारों गाड़ियाँ आती जाती हैं, हजारों परिवारों का यहाँ से आना जाना है, और ऐसी दुर्घटना, ऐसी अप्रिय घटना रोज होती है। किसी को खरोच आता है, किसी को कुछ होता है। कल ये मृत्यु देखने को मिल गया, आज रक्षाबंधन है, उस घर में आज मातम का माहौल छाया हुआ है, इसका जवाबदेही कौन है? सबसे पहले बेटी मान्या जो कि कल सड़क दुर्घटना में देवलोक गमन करके, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दुर्ग शहर ये समझ में नहीं आ रहा है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। निगम प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों गहरी नींद में सोए हुए हैं। लगातार इस टाइप की घटना इस शहर में घटित हो रही है। सड़क दुर्घटना में कई अपने लोग, अपने परिचित लोगों का इस दुनिया से जाना हो रहा है। मैं निगम प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों को इस लापरवाही और इस क्या बोलते घटना के लिए दोषी मानता हूँ। ये घटना अगर इसी तरह चलती रही तो आगे समाज, राजनीतिक दल, सामाजिक दल उग्र प्रदर्शन करेंगे और ये सोई हुई सरकार और इस प्रशासन के खिलाफ एक उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रैनी सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।